दोस्तों रियलमी ने यहाँ पर अपने एक और नए स्मार्टफोन रियलमी X7 Pro को इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जहाँ पर आज मैं आपको अपने इस वीडियो में इसी फोन का ऑनेस्ट रिव्यू करके बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि ये फोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं रहेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत जरूर देखिएगा, काफी काम करने वाली वीडियो आप के लिए। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो फॉर इट। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें हम यहाँ पर इसके डिजाइन की, तो डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मैट फिनिश के साथ में, जहां पर आपको मल्टी कलरिंग देखने को मिलेगी, हर एंगल से आपको नया कलर देखने को मिलेगा, ग्लास बैक की फिनिश दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें हम यहाँ पर, ये तो बैक की डिजाइन काफी अच्छी दी गई है, यहाँ पर डेयर टू लिव लिखा हुआ है, जहां पर आपको डिजाइन काफी अच्छी है। और वहीं बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको यहाँ पर 6.55 इंचेस की FHD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, पंच होल कटआउट के साथ में, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, कोनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में भी काफी अच्छी है, यहाँ पर 1200 निट्स की यहाँ पर हाईर रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दी गई है, डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो भी 120 हर्ट्ज का है। तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में आपको कोई इश्यू नहीं होने वाला है। और वहीं बात करें हम यहाँ पर इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपको यहाँ पर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1000 प्लस दिया गया है, जहाँ पर ये ऑक्टाकोर चिपसेट है और 5G है, और यहाँ पर आपको ये डुअल 5G का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों डुअल 5G यानी कि दोनों सिमें आपकी 5G पर वर्क करेगी, जैसे डुअल 4G है ना, वैसे यहाँ पर डुअल 5G भी दिया गया है, जहाँ पर आपको दोनों ही सिम 5G का सपोर्ट करती है, तो ये काफी अच्छी चीज है। और वहीं बात करें हम यहाँ पर कैमरा डिपार्टमेंट की, तो कैमरे में आपको यहाँ पर क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर मेन कैमरा है वो है 64 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर के साथ में, सेकंड कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट के लिए, और 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर मैक्रो शॉट्स के लिए, और यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम जो कि यहाँ पर मोनो शॉट्स के लिए ब्लैक एंड व्हाइट भी दी गई है, बाकी दो ही काम के हैं, बाकी कुछ भी काम का नहीं है, दो ही कैमरे काम के हैं, ठीक है। सेल्फी भी एक बात कर ले, तो सेल्फी आपको यहाँ पर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी है, और यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, और साथ ही साथ आपको फेस लॉक देखने को मिल जाएगा। तो डिस्प्ले कैमरा में मेरा सारी चीजें यहाँ पर, ठीक है। वही बात करें बैटरी की, तो बैटरी आपको यहाँ पर मिलेगी 4500 mAh की 65 वोल्ट का चार्जर देखने को मिल जाएगा, सुपर डार्ट जो कि फ्लैश चार्जर है, फास्ट चार्जर है, ठीक है। सारी चीजों की बात हो चुकी है, अब फाइनली बात करते हैं हम यहाँ पर प्राइसिंग की। तो 8GB 128GB वाले वेरियंट की प्राइस है यहाँ पर, वो है यहाँ पर 29,999 रुपए। तो यहाँ पर दोस्तों मोबाइल की, यहाँ पर मोबाइल काफी अच्छा है, डिस्प्ले भी काफी अच्छी दी गई है, प्रोसेसर काफी अच्छा है यहाँ पर 1000 प्लस, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्राइस ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों मेरे हिसाब से देखा जाए तो प्राइस 30,000 की है, वैसे यहाँ पर दोनों 5G ना, तो इस वजह से बनता भी है 5 दोनों का, वैसे सिंगल 5G शायद आई थिंक 21,000 22,000 15,000 के आसपास भी बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सिंगल 5G मिला, डुअल 5G की वजह से इसके 30,000 प्राइस हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू यह है कि आप अगर फोन लेना चाहते हैं, इस फोन को परचेस करने की सोच रहे हैं, तो आप ये फोन परचेस कर सकते हैं, 30,000 के बजट में काफी अच्छा फोन है अगर आप लेना चाहते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।